Lego and welcome back to my channel. Sorry our channel. खाने में सुन लिया तो बस खत्म हो गई जान. तो आज है ईद उल फितर का फर्स्ट डे एंड हमने लंच किया. हमने आज बिरयानी खाई थी जो बहुत टेस्टी थी. हमने लंच किया और फिर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पूरा दिन बचा. तो हमने सोचा कहाँ जाएँ कहाँ आउटिंग करें. तो बैठे बैठे हमारे दिमाग में ख्याल आया बल्कि हाल ही में कहा कि चलो जॉयलैंड चलते हैं. हमने कहा चलो ठीक है फिर चलते हैं. सबने ट्राई कर लिया ना सब तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं जॉयलैंड ही चलते हैं. तो हम निकले गाड़ी में बैठे तैयार हो गए ज़रा मेकअप शेक दोबारा किया फ्रेश हुए एंड निकल पड़े फोर्ट्रेस के लिए. एंड आज का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था. वैसे हम सारे दुआएं मांग रहे थे क्योंकि पिछली बार भी बहुत जल्दी जल्दी हुई यानी कि अचानक की चांद रात थी और तब बारिश भी हुई थी. आई थिंक तब बारिश हुई थी एंड हम दुआएं मांग रहे थे कि इस बार बारिश ना हो वेदर बहुत अच्छा हो. और आप देख भी सकते हैं कि वेदर कितना ज़्यादा मैं अब कैसे करूँ इतना ज़्यादा प्यारा है ना. एंड वेलकम टू माय वॉइस ओवर. मैं आपको कहना भूल गई थी इस बार मैंने ज़्यादा स्टाइल से नहीं बोली थी. स्टाइल से नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे जब मामा सुन लेती वॉइस ओवर तो कहती बड़ा तुम स्टाइल से बोलती हो. तो देखें हाँ हमारे पाकिस्तान में कितनी ग्रीनरी है माशाल्लाह से और वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. एंड और आप लोग देख ही सकते हैं कि आज ईद उल फितर का फर्स्ट डे है एंड हमें ईदी भी मिल गई थी. और मामा ने कहा चलो आज तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ईदी है तो तुम लोग हमें खिलाओगे. तो हम हंस रहे थे आगे से. तो ये इधर आ गए हैं हम. ये ही को आइसक्रीम का बोर्ड लेगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है. एंड वो रहे KFC एंड मैं कैसे कहूँ. ये हम एंटर हो गए हैं फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में यानी कि हम फोर्ट्रेस पे बस बहुत ज़्यादा नियर करीब ही हैं. एंड दिस इज़ आवर मैकडोनल्ड. मैकडोनल्ड किसकी जान नहीं है. आई लव इट. एंड तो अब हम एंटर होने ही वाले हैं फोर्ट्रेस में बल्कि हो चुके हैं. एंड इधर सारा ये ना आप देख सकते हैं आगे जाके कि ये सारा ना आर्मी का हाँ ये आर्मी का सारा एरिया है. इससे जो चेकिंग है गाड़ियों की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यानी सबकी गाड़ियाँ चेक हो रही हैं. सारे रुके हुए हैं अपनी गाड़ियाँ चेक करवा रहे हैं. एंड ये बहुत बड़ा पार्क है. सनसेट हो रहा है. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वेदर है. मैं कितनी दफ़ा वेदर कहूँगी. ये मैं दिखा रही हूँ कि सनसेट हो रहा है. एंड बस अब हम चेकिंग करवा रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए से रुके हुए हैं. ये है प्लेन हमारा एंड बस हम एंटर तकरीबन हो ही चुके हैं. ईद की वजह से रश भी बहुत ज़्यादा था मगर मज़ा बहुत ज़्यादा आया. एंड इसके अंदर आके सबसे पहले हमें नज़र आता है मैकडोनल्ड का प्ले पेस. नेक्स्ट उसके बाद वो आप देख सकते हैं जॉयलैंड है. एंड दिस इज़ सिंबाद. इसके अंदर बहुत सारी क्रीम वगैरह होती हैं एंड मुख्तलिफ ब्रांड्स इधर मतलब हर किस्म का ब्रांड है. तो हम अब गाड़ी से उतरे हैं. मैं अपने खूबसूरत से पाँव दिखा रही हूँ और आप ड्रेसेस भी देख ही सकते हैं. पहले मैंने थोड़ा सा ईद के मैसेज के लिए वीडियो अपलोड की थी वो भी आप देख सकते हैं ज़रूर देखिएगा. ये मैं आले हाले हमें खींच के डॉलर वाला $1 शॉप में ले आई है. हर चीज़ यहाँ पर 170 की थी. हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वेराइटी थी. रश बहुत ज़्यादा था. एंड हाले के आप देख ही सकते हैं हाले ने क्या क्या लिया. हाले ने कुछ शॉपिंग की. हाले कहती है अभी मैं अपनी ईदी दिखा रही हूँ क्योंकि इस बार ईदी बहुत ज़्यादा मिली थी. एंड ये है मेरे फेवरेट स्टॉल. इयररिंग्स नेकलेसेस यानी ज्वेलरी कलेक्शन मतलब ज्वेलरी सॉरी अपने मैं वीडियो पे आ गई हूँ. ज्वेलरी का सारा था. एंड दिस इज़ हर लड़की का फेवरेट स्टॉल मेकअप स्टॉल. और इधर हम कुछ लिप ग्लॉसेस चेक कर रहे थे मगर तकरीबन ऑलमोस्ट ये सारी हमारे पास थे. एंड कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क भी थे इस वजह से हम नहीं लिए बिकॉज आई लाइक मैट थिंग्स एंड मैट मेकअप. मुझे मैट मेकअप पसंद है. ये किचन की एसेसरीज आई लव दिस स्टॉल यू नो मुझे कितना ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट मैं अपने आपको दिखा रही हूँ कि मैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी अल्लाह ताला ने मुझे कितना प्यारा बनाया है. नेक्स्ट ये है स्टेशनरी पाउचेज. माने देख रही थी मैं भी देख रही थी हाले भी देख रही थी. हाले बिल करवाई थी हम दोनों देख रहे थे. नेक्स्ट हम बाहर आ जाते हैं सारी शॉपिंग वगैरह करके. अब हम एंटर हो गए हैं जॉयलैंड में
और हाले में सब कुछ स्विंग्स वगैरह लेंगे, कुछ खाएं पिएंगे। एंड आप देख सकते हैं सबसे पहले ये झूला आता है। एंड आपको पता है मुझे ऐसे झूले बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है नेस्कैफे का स्टॉल लगा हुआ है। एंड इधर भी रश बहुत ज़्यादा था, वेदर बहुत खूबसूरत था। अब हम कुछ खाने पीने के लिए आए मगर इधर कुछ कोई ख़ास नहीं मिला, रेट भी बहुत ज़्यादा थे हर चीज़ के। तो हमने भी कुछ नहीं लिया। हाँ ये ही माने बनवाई था टेम्परेरी टैटू एंड हाल की माने ने बनवाई है बटरफ्लाई। आप देख सकते हैं माने बहुत डर रही थी उसको लगा के ये ना इंजेक्शन से बनेगा कोई नीडल वगैरह से बनाएंगे, मगर नहीं ये एक स्प्रे था। एंड ये मैं बनवा रही हूँ, माने ने इसे दिखाया नहीं, मैं एस बनवाया है। एंड साथ उसके आई थिंक कोई आप देख सकते हैं एरो है, उसके ऊपर पाउडर लगाया है और बस ख़त्म। तो आई लव जॉयलैंड। तो ये इधर हम आ गए हैं एंड हम तीनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं, आप फुल ड्रेसेस भी देख सकते हैं। ये हाले का रॉकेट है जो स्पेस में जाने के लिए तैयार है। एंड बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं वॉइस ओवर, प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा मेरी आवाज़ सुन के, मगर मेरी आवाज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। तो अब हम आप ये डेकोरेशन देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। आई थिंक ये बैलून्स हैं या बॉल्स हैं, कोई लाइट है, लाइट है आई थिंक। एंड आप रश भी देख सकते हैं, आप खुद देखें कितना ज़्यादा रश है। और अब हम जा रहे हैं, हाले ने कहा था कि मैंने बोट राइड करनी है यानी कि बोट राइडिंग लेनी है। तो मुझे इमाने ने बाबा ने पूछा कौन बैठेगा इसके साथ, इमाने कहती शान से। तो इस वजह से ये हॉरिबल झूला, मुझे हॉरिबल झूले बहुत ज़्यादा पसंद है मगर मामा हैं कि हमें लेने ही नहीं देती। तो इसमें मामा कहती जो बंदा जाएगा ना वापस नहीं आएगा लगता है, मगर आई लाइक दीज स्विंग्स। तो इधर हाले में बोट राइडिंग ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये स्विंग, ये जो झूला है ये मैंने भी लेना था, आप देख सकते हैं अभी नीचे आएगा कैमरा। तो मैं वेट भी कर रही थी एंड आपको तो पता है मैंने फिर से बोल रही हूँ कि मुझे ये कितने ज़्यादा पसंद हैं। एंड मैं नीचे वेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, देख सकते हैं वो मैं खड़ी हूँ। तो वेट करते करते बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, कुछ भी नहीं खाया था, दोपहर का खाना खाया हुआ था, सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं हालों कह रही हूँ जल्दी जल्दी करो, मगर हालों ने क्या करना था। तो हम झूले वगैरह लेके बाहर आए, वहाँ पर तो कुछ खाने के लिए नहीं मिला, मगर हमने सोचा क्यों ना अपनी फेवरेट जगह पर जाएं जहाँ पर हर चीज़ की वैरायटी है। तो कुछ लोगों को पता चलेगा जो शुरू से हमारे साथ हैं, जो हमारी वीडियोज़ देखती हैं, सब्सक्राइबर हमारे, उनको पता चल गया होगा कि हम जा रहे हैं बट स्वीट्स। और मैंने लिया चिकन बन, बहुत ही मज़ेदार फीलिंग थी। ये है ग्रिल सैंडविचेस एंड ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे, मैं आपको खा कर दिखाऊँगी। एंड मैंने लिया था अपने चिकन बन के साथ मोका, आई थिंक मुझे अब सही से नाम, नेस्कैफे मोका था और दैट वाज वेरी वेरी टेस्टी। ये मैंने लिया था कोरियन बर्गर, आप देख सकते हैं इसकी पैटी टाइप कुछ है और इसको सॉस में, कोरियन सॉस में पूरा डिप कर दिया है। एंड आप लोग को भी बट स्वीट्स आएँ बल्कि ज़रूर आएगा, कोरियन बर्गर ज़रूर खा के जाइएगा। उसको जो पैटी है उसको पूरे तरीके से चिकन में डिप कर सॉरी सॉस में डिप कर दिया है और फिर जो बन के ऊपर रख दिया है। एंड इसमें चीज़ें थोड़ी हैं मगर ये इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मैं आपको कैसे बताऊँ। जब भी आप बट स्वीट्स आएँ ये खाए बगैर मत जाइएगा। एंड इसके ऊपर लगाए हैं सेसमे सीड्स, क्योंकि कोरियन चीज़ों में सेसमे सीड्स का ज़रूरी होना ज़रूरी है। एंड बस ये खाने पीने की चीज़ें ली, हमने खाई और निकल गए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।